दोस्तों, कई बिगिनर्स को ये मिथ होता है कि हम जितना वाइड ग्रिप से बैक एक्सरसाइज करेंगे उतना ही हम ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे या ज़्यादा हमारी बैक ब्रॉड हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे पुलअप्स करें, बारबेल बैंड ओवर हो, लेट पुल डाउन, आप बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप पकड़ लेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होगा ही नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मेरा आइडियल स्टांस है ग्रिप का, वो पुलअप्स में ये है, मेरे शोल्डर से थोड़ा वाइड, और बारबेल बैंड ओवर में ये भी मेरे शोल्डर से थोड़ा बाहर ताकि मुझे बैक पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील कराए। लेट पुल डाउन में मेरा ये स्टांस रहता है। और बैक की थिकनेस पे अगर मैं बात करूँ या मिडिल बैक को थिक करने का, अपर बैक को, तो उसके लिए थोड़ा नैरो स्टांस वाली एक्सरसाइज बेटर है। जैसे टी बार कर सकते हैं आप, सीटी ड्रॉइंग कर सकते हैं, सिंगल आर्म डंबल कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है। बैक बड़ा मसल है, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज भी ज़्यादा है। तो आप कोई भी दो वाइड ग्रिप एक्सरसाइज पकड़ लें, दो नैरो ग्रिप वाली, और एंड में आप डेडलिफ्ट कर लें, सफिशियंट है। पाँच एक्सरसाइज आप 4 से 6 सेट ले सकते हैं, 8 से 12 रैप आपके लिए, चाहे आप बल्क करें या कट करें, इतना एक्सरसाइज काफ़ी है। हाँ, इनको आप 4-6 भी करके कोई एक आध एक्सरसाइज आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए था कि वाइड ग्रिप, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत चौड़े हो जाएंगे उससे। आइडियल स्टांस ये हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।